अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली रेसिपी, जिसको हमने इसे लंबे लंबे साइज में काट करके ले लिए हैं। इसे अच्छे से हम धो लिए और सारा पानी हम इसका ड्राई कर लिए हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना करके तैयार करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन में हम डालेंगे 1 चम्मची भर के लहसुन का पेस्ट, और छोटी वाली चम्मची से हाफ चम्मची हम डालेंगे जिंजर का पाउडर। आपकी इसके जगह पे पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। डाल देंगे इसे और डालेंगे 1 चम्मची विनेगर। 1 चम्मची के करीब हम लेंगे सोया सॉस। 3 चम्मची हम लेंगे भर के अरारोट, और 2 चम्मची हम डालेंगे इसमें मैदे का। 3 चम्मची अरारोट में 2 चम्मची हम मैदा डालेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और हाफ टी स्पून डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। साथ ही हम डालेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें एक अंडा भी मिला सकते हैं, फिलहाल मैं अंडा तो ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। अंडा जब नहीं डाल रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल ज़रूर से डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं इसे। तो रिफाइंड भी दे करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा ये है। तब हम इसे ढक कर के 10 मिनट रख देते हैं। तो चलते हैं दूसरी तरफ हम रेसिपी बनाने के लिए। तो चिकन को मैरिनेट करके 10 मिनट रखे हुए हो गया है। अब हम इस तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा लिए हैं। इसे अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। गैस का फ्लेम को गर्म करने के बाद हम मीडियम कर देंगे। अब एक करके चिकन के पीसेस को हम डालते जाएंगे इसमें। इस तरीके से चिकन के पीसेस को हम डालते जाएंगे इसमें। तो चिकन के पीसेस को हम डाल दिए हैं। अब एक तरफ से हम इसे अच्छे से पकने देते हैं, और हम एक तरफ से ब्लड हो जाएगा तो हम इसे टर्न कर लेंगे। इस तरीके से अलट पलट करते हुए हमें इसे अच्छा सा क्रिस्प होने तक पका लेते हैं। तो अलट पलट करते हुए हमारा जो है चिली बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो गया है, क्रिस्प हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारे चिकन के पीसेस हमारे निकल गए हैं, और हम निकाल करके एक प्लेट पे रखते जाएंगे। और भी सारे चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारे चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और ये लीजिए हमारा लास्ट बैच भी बहुत ही अच्छे से चिकन फ्राई हो गया है, बहुत ही क्रिस्प फ्राई हुआ है। हमने इसमें अंडा भी नहीं डाला, पर ये बहुत ही क्रिस्प फ्राई हुआ है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला था। तो ये भी बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प फ्राई हुआ है। तो सारे हम चिकन के पीसेस को अब हम निकाल लेते हैं। तो सारे चिकन को हमने एक प्लेट पे निकाल लिया। अब आप इसे ड्राई चिली भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई यूज करेंगे क्योंकि हमें इसमें तेल गरम था, हम तेल को कम कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा चॉप किया हुआ लहसुन। हम 2 पोट लहसुन लिए थे, और इसे अच्छे से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। सारा लहसुन को डाल करके हम इसे अच्छे से थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने देते हैं। थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 मिर्ची जो पीस से कटी हुई है। थोड़ा सा हम अदरक लिए हैं, 1 इंच अदरक को हम स्लाइस कर लिए हैं। इसे डाल करके हल्का सा हम इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। लहसुन और अदरक और हरी मिर्च हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके हम लिए हैं। हम इसमें डाल देंगे, हल्का सॉफ्ट हम इसे करेंगे। हमने ऐसा प्याज भी, एक प्याज को इसकी पंखुड़ियों को हम निकाल लिए हैं, हम इसको भी डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए चिकन में।
इसे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं पिंक होने तक। प्याज हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें एक शिमला को, जिसे बारीक हम लंबे लंबे साइज में काट लिए हैं, क्योंकि हम चिकन को भी लंबे साइज में काटे हैं। तो इसे डाल करके हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। और ये जो प्याज काट के रखे थे इसे भी हम डाल देंगे, हल्का सॉफ्ट हम इसे भी कर लेते हैं। और हमारा ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, हमें ज़्यादा से सॉफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल क्रंच बनाए रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मची भर के टमाटर सॉस, और 2 चम्मची हम डालेंगे चिली सॉस, 1 चम्मची विनेगर, और 1 चम्मची हम डालेंगे सोया सॉस। मिक्स कर लेते हैं हल्का सा, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 चम्मची लेंगे अरारोट। अब इसमें हम 1 कप पानी देके इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। अरारोट का घोल हमारा तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 चम्मची हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉयल आने देते हैं हम इसमें। एक बॉयल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस को। सारे चिकन के पीसेस को हम इसमें अब डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये हमारा बन करके तैयार हो रहा है। अच्छे से हम इसे अब मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मची डालेंगे बैलेंस के लिए थोड़ा सा चीनी, आपको पसंद हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारा तैयार है, 1 मिनट और हम इसे इसमें छोड़ देते हैं बस। तो बस अब हम इसे गैस को फ्लेम को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, यम्मी लग रहा है ना। और ये लीजिए हमारा चिकन चिल्ली यानी रेस्टोरेंट स्टाइल बन करके तैयार है, बहुत ही यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल बन करके तैयार हुआ। आप इस डिश को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग किए हैं, हम इसमें अंडा नहीं डाला, हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के इसको क्रिस्पी फ्राई कर लिए हैं। आप दोनों तरीके से इसे खा सकते हैं, इस तरीके से फ्राई करके, और फिर आप इस तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार करके, आप इस तरीके से ग्रेवी बना करके खाइएगा तो आप चपाती रोटी पूड़ी के साथ आप इसे अच्छे से खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।